वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने आख्या कि बलदियाती इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने सदर शाह गुलाम कादर साबक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर पीपल्स पार्टी ने रुकन कानून साज़ असम्बली मियाँ अब्दुल वहीद सैयद बाज़ल अली नकवी ते सरदार जावेद अयूब की अपने अपने हल्कें शिकस्त का सामना करना पिया। उन्होंने आख्या कि ये अवाम ना तहरीके इंसाफ ने क्यादत पर एतमाद ना इजहार है। इंशाल्लाह असम पर लोगों जिस एतमाद ना इजहार किया उस पर पूरे उतर सा। उन्होंने आख्या कि 31 साल तो आजाद कश्मीर ने अवाम की बुनियादी हकूक तो महरूम रखा गया सी। उन्होंने आख्या कि मी एक इलाके गई कि हुकूमत करनी है या बलदियाती इलेक्शन करवाने मैं अवाम ने हक पर सौदा ना कर सकना। उन्होंने आख्या बलदियाती इलेक्शन मुनक्कद कराना मेरा अजम सी ते अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल ए अजम पूरा होया। उन्होंने आख्या कि मुजफ्फराबाद डिवीजन च नून लीग ते पीपल्स पार्टी असेंबली छे तो ज्यादा सीटां लई हैं लेकिन तरीके इंसाफ फिर भी सरखरू हुई। उन्होंने आख्या कि बलदियाती इंतखाबात की फतह ते शिकस्त कोई माने नहीं रखनी। असल क्रेडिट यह है कि तहरीके इंसाफ ने हुकूमत इमरान खान ने विजन के मुताबिक अवाम नाल कीता गया अपना वादा पूरा किया। इंशाल्लाह ताला असां आजाद कश्मीर ने दीगर डिवीजन भी शानदार कामयाबियां हासिल कर सां ते अवाम असां नाल भरपूर तावन करनी पई है।